सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बारबिक नेशन के आईपीओ का ग्रे मार्केट में आज यानी कि 5 अप्रैल 2021 के दिन क्या प्रीमियम चल रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए बारबिक नेशन का जो आईपीओ है 24 से 26 मार्च के बीच ओपन था अप्लाई करने के लिए। वहीं प्राइस बैंड की बात करें तो 498 से 500 इसका प्राइस बैंड रखा गया था, यानी 500 रुपये में आपको एक शेयर मिलने वाला था। वहीं लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट में करीब 30 शेयर्स थे और रिटेल कैटेगरी के हिस्से की बात करें तो मात्र 10% शेयर यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे गए थे। देखिए अब इस आईपीओ का अलॉटमेंट भी आ चुका है और मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट के दौर से गुजर रहा है। तो इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर आज की बात करें तो करीब 12 रुपए के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इंटरनेट पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो इंटरनल सोर्स है उसके द्वारा यह मालूम किया गया है और यहां पर 12 रुपए के आसपास आपको एक शेयर पर मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि 500 रुपए का आपको शेयर अलॉट हुआ है। 12 रुपए के प्रीमियम के साथ करीब 512 रुपए पर यह लिस्टिंग के संकेत आज के दिन ये देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इसकी जो लिस्टिंग है करीब 7 अप्रैल के आसपास होने की संभावना है, यानी कि 7 अप्रैल को माइक्रोटेक जो आईपीओ है डेवलपर्स का आईपीओ वो भी ओपन होने वाला है और यहां पर इस आईपीओ की लिस्टिंग भी उसी दिन होने की संभावना है। तो देखिए मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट के दौर में है, चूंकि जो कोरोना के केसेस हैं पिछली बार का जो पीक था उसको भी क्रॉस करके बहुत ज्यादा यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण मार्केट गिर रहा है। और देखिए मार्केट तो गिरेगा ही, अगर और ज्यादा केसेस बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मार्केट में गिरावट बढ़ेगी और गिरावट से इसकी लिस्टिंग और जितने भी आईपीओज हैं उनकी लिस्टिंग यहां पर प्रभावित होती हुई आपको नजर आएगी। और यहां पर आप देख रहे हैं कि मात्र 12 रुपए प्रीमियम बचा है और मुझे ऐसा लगता है कि अब इस आईपीओ में आपको डिस्काउंट प्राइस पर लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है, यानी कि 500 रुपए पर यह जो है प्राइस आपको एक शेयर अलॉट हुआ है और इसकी लिस्टिंग आपको करीब 450 के आसपास भी होती हुई दिखे तो कोई नई बात नहीं होगी। देखिए शुरू में ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई ना करने की सलाह दी गई थी क्योंकि इसमें 10% ही कोटा था रिटेल कैटेगरी का और देखिए यहां पर जो सब्सक्रिप्शन हुआ था रिटेल कैटेगरी में करीब 10 गुना के आसपास हुआ था। और देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर ख़राब आईपीओ है, ख़राब माहौल है तो आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई कम आईपीओ में कम लोगों ने अप्लाई किया है, एटलीस्ट अलॉटमेंट तो मिल ही जाएगा। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अलॉटमेंट के साथ साथ लिस्टिंग गेन भी बहुत ज़रूरी है। अलॉटमेंट मिल जाए और उसके बाद 10-20% के डिस्काउंट प्राइस पर ओपन होता है तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर प्रीमियम काफी ज्यादा कम है और हम उम्मीद करते हैं मार्केट सुधर जाए और आपको जिसको भी ये अलॉटमेंट मिला है आपको कुछ अच्छा सा मिल जाए, यानी कि कुछ प्रीमियम देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसी उम्मीद मुझे नजर नहीं आती है। हम केवल सोच सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। प्रीमियम यहां पर 12 ही रुपए है। तो देखिए ये न्यूज थी जो आपको बताना जरूरी थी अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिला है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं से नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।